राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का विषय शायद आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वृंदावन जाते होंगे। कोई महीने के हिसाब से जाता है, कोई पूर्णमासी पे जाता है, कोई कोई एकादशी पे जाता है। जैसा आपका रूटीन होता है, आप लोगों ने वैसा फिक्स कर रखा होगा। तो अगर आप भी मथुरा वृंदावन जाने वाले हैं या फिर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये 10 बातें आपको जाननी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब आप कहोगे, दीदी आप कौन होती हो हमें ये सारी बातें बताने वाली? मैं पिछले 3.5 साल से वृंदावन में निवास कर रही हूँ, अर्थात वृंदावन में रह रही हूँ। मेरे माता पिता हर महीने 7 से 8 दिन वृंदावन में रहते हैं, और साथ ही के साथ वृंदावन में हमारा क्या, आपका भी एक छोटा सा हमारा एक आसियाना है, जिसमें हमने नीचे सेवार्थ बनाया हुआ है, अर्थात आम लोगों के लिए रहने की जगह। ऊपर हमने परमार्थ बनाया हुआ है, अर्थात हमारे रहने की जगह। तो वृंदावन में एक छोटा सा आसियाना है, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मैं 3.5 साल नॉन स्टॉप बिहारी जी के मंदिर में गई हूँ, केवल 4 दिन छोड़कर। 4 दिन जब मेरे को पीरियड्स होते थे, गर्ल्स प्रॉब्लम होती थी, उन 4 दिनों को छोड़कर मैं लगातार 3.5 साल बिहारी जी के मंदिर में गई हूँ। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, कि आपको अगर आप वृंदावन मथुरा जाने की सोच रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी 10 बातों का ध्यान रखना है, आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। तो चलिए, अधिक विलंब ना करते हुए मैं आज आप लोगों को उसके बारे में बता। वृंदावन, जिस भी जब भी आप वृंदावन की यात्रा करें, चाहे वो ट्रेन से करें, चाहे वो आप अपने पर्सनल विकल्प से करें, गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, लेकिन जब वृंदावन प्रारंभ हो जाता है, जैसे ही आप ट्रेन से उतरे, जैसे ही आप बस से उतरे, जैसे ही आप वृंदावन की सीमा पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही आपको अपनी गाड़ी से उतरना है, या फिर किसी भी आप ट्रेन उतर रहे हैं, तो आपको ब्रज की धरती को प्रणाम करना है। मैं ये नहीं कह रही वहां पे सबके सामने दंडवत प्रणाम कर लीजिए, आप नीचे झुकिए, आप थोड़ा सा ब्रज लीजिए, अपने माथे से स्पर्श कीजिए। आप वृंदावन धाम में आए हैं। वृंदावन वो भूमि है, पहले जमाने में मेरे पिताजी बताया करते थे, जब हम वृंदावन में वास नहीं करते थे, कि मेरे पिताजी बताया करते थे, अगर हमारे गांव से कोई वृंदावन जा रहा होता था ना, तो हम लोग उसके पैर पकड़ लेते थे, पैर को छू लेते थे, कि भैया हमारी भी राधे राधे बोलना, हमारी भी राम राम बोलना। तो आज उस पावन धरती पर, जिसमें अनेकों साधु संत रहे हैं, हमारा लाला की जो बाल लीलाएं हैं उस धरती पर गूंजी है, उस पावन पुनीत धरती पर आप लोग पहुंचे हो, तो उसको प्रणाम करना, स्पर्श करना आपको बनता है। आज भी वहां पे अनेकों साधु संत रहते हैं, ना जाने कौन से साधु संत की जो ब्रज है, ब्रज की महिमा ही परंपरा है। उसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊंगी। दूसरी बात जो आप वृंदावन जाते वक्त आपको याद रखनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। सेकंड बात, वृंदावन आप जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहन के जानी, जैसे कि कानों में बड़े बड़े लटकने वाले, या फिर गोल्ड की बहुत मोटी सी चैन, या फिर कोई भी हैवी ज्वेलरी नहीं पहन के जानी है। क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं वृंदावन की बुराई कर रही हूँ या फिर कुछ ऐसा कर रही हूँ, अपनी सुरक्षा आपकी अपने हाथ में होती है। मैं नहीं चाहती कि आप तीर्थ यात्रा में आए हैं, आपका मन कहीं और लगा रहे और आप दुखी मन से यहाँ से जाएं। वैसे भी ब्रज धाम एक ऐसा धाम है, यहाँ पे लोग खुशी आते हैं और दुखी होके जाते हैं। आपको कि दीदी दुखी होके हम मतलब समझे नहीं, अर्थात ब्रज भूमि से जाने का, वृंदावन से जाने का अत्यंत दुख होता है लोगों को, अत्यंत दुख। उनकी आंखें नम होती हैं कि बिहारी जी अब पता नहीं हमें ना जाने कब बुलाएंगे। तो आप अगर वृंदावन जा रहे हो तो बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी गोल्ड की आप मत पहन के जाइए, क्योंकि वहां पे चैन स्नैचिंग और ये थोड़ी कान से खींचना बहुत ज्यादा आम हो गया है। क्योंकि मैं 3.5 साल वृंदावन में रही और मैं अपने हस्बैंड के साथ परिक्रमा कर रही थी, मेरे साथ भी ये घटना हुई, मेरी चैन किसी ने खींची। वो तो बिहारी जी की कृपा थी कि चैन मेरे गले में आ गई और तुलसी माला टूट के उसके हाथ में चली गई थी, वो बिहारी जी की कृपा हुई थी। तो ऐसे ही जब मैं नहीं पकड़ पाई, क्योंकि मैं इस भ्रम में रह गई, क्या पता बंदर कुछ खींच रहा हो, तो आप भी हैवी ज्वेलरी मत पहन के जाइए। नंबर 3 बात, औरतों को बहुत शौक होता है अपना हैंड पर्स पकड़ने का, हाथ में पर्स पकड़ने का औरतों को बहुत शौक होता है, फोन पकड़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है, फोन पकड़ लेंगे हाथ में, पर्स पकड़ लेंगे।
तो वहां पे इतने बानर हैं, इतने ज्यादा बंदर हैं, इतने ज्यादा बंदर हैं, आप कोशिश कीजिए आप टांगने वाला पर्स ही कैरी कीजिए। टांगने वाला पर्स आप अगर कैरी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसी में आप अपना सारा सामान, मोबाइल फोन, पैसे वगैरह आप उसमें रख सकते हैं टांगने वाले पर्स में। हैंड पर्स महिला करके, महिलाएं विशेष करके हैंड पर्स और मोबाइल फोन अगर इम्पोर्टेंट आवश्यक ना हो तो वो अपने होटल रूम में ही छोड़ के आए, जहाँ भी आप रुके हो, किसी भी आश्रम में रुके हो, क्योंकि बंदर वो छीन लेके चले जाते हैं आपके हाथ से और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं पर्सनली वृंदावन में इतने साल रही हूँ और मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं 3-4 बार हुई हैं। मेरे हस्बैंड के साथ हुई है, मेरे भाई के साथ हुई है, मेरे भाभी का भी पर्स छीन के ले गए थे। एक बार हमारे घर पर कोई आया था, उनका पर्स छीन के ले गए थे। तो अनगिनत चीजें होती हैं जो छीन के ले जाते हैं बंदर। और अगर आपकी कोई भी चीज, तीसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथी बात, कि अगर आपकी कोई चीज बंदर छीन के ले गया है तो पैनिक होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बंदर ले जाके थोड़ा सा ऊपर बैठ जाता है, वहां पे 10 से 15 रुपए की फ्रूटी मिलती है, आप उसको फ्रूटी देंगे, वो आपका सामान नीचे दे देगा, ज्यादा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। पहली बात तो आपकी सेफ्टी मस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई भी आप पर्स वगैरह लेके जा रहे हैं तो विशेष ध्यान दीजिए, उसमें आधार कार्ड ना हो, उसमें पैन कार्ड ना हो, कुछ भी स्पेशल डॉक्यूमेंट्स उसमें ना हो, थोड़ा बहुत कैश चिल्लर पड़ा हो तो चल जाएगा। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी के पर्स मिलते भी नहीं है। नेक्स्ट बात मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी चश्मा पहन के, चाहे वो आपका नजर का चश्मा हो, चाहे वो आप फैशन वाला चश्मा हो, चश्मा पहन के आप वृंदावन में मत जाइए, क्योंकि बंदर सबसे पहले चश्मा ही निकालते हैं। और अगर आपका नजर का चश्मा होगा तो फिर आपको आने वाले टाइम पे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपकी सतर्कता है कि आप चश्मा पहन के वृंदावन में मत जाइए, मतलब वृंदावन में चश्मा पहन के जाइए लेकिन अपने होटल रूम तक ही उसको सीमित रखिए। जब आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो या फिर निधि बन जा रहे हो तो आपको वो चश्मा निकाल के ही वृंदावन ये मंदिरों के दर्शन करने हैं, क्योंकि बंदर निकाल के ले जाते हैं और फिर वो एक फ्रूटी से नहीं मानते। महाराज कभी बंदरों के साथ जो मेरा अनुभव रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो जरूर साझा करूंगी कि बंदरों के साथ वृंदावन में मेरा अनुभव क्या क्या रहा है, मेरी क्या क्या चीजें उन्होंने ली है। जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो मैं कैसे कैसे मैनेज करती थी। नंबर, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत सारे आदमियों की जो ओल्ड एज होते हैं, थोड़ी सी उनकी हैबिट होती है कि यहाँ पे वो अपना मोबाइल फोन जो होता है, यहाँ पे पॉकेट होती है उसमें मोबाइल फोन रख लेते हैं और पैसे भी रख लेते हैं। तो कृपया कर अपना मोबाइल फोन यहाँ पे मत रखिए अगर आप वृंदावन जा रहे हैं। एक, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो अपना मोबाइल फोन अपने हाथ से बिल्कुल भी मत रखिए। दूसरा, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, मंदिर घूमने जा रहे हैं, तो अपना मोबाइल फोन अपनी इस वाली ऊपर वाली जेब में बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि बंदर वो निकाल के लेके चले जाते हैं। और फिर अगर वो आपको मिल भी जाता है, आपका लक अच्छा होता है तो मिल भी जाता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से डैमेज हो चुका होता है, टूट जाता है, फूट जाता है। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ होती है। आप, मैंने हमेशा बोला कि कोशिश कीजिए कि टांगने वाला कोई भी बैग आप ले लीजिए और उसमें अपना सारा सामान, आपका प्रसाद हो गया, आपके पैसे हो गए, आपका मोबाइल फोन हो गया, वो आप कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट बात जो आपको बहुत ज्यादा याद रखने योग्य है वो ये है, तो आप वृंदावन में बड़ा, आपने लोगों ने सुना होगा प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर। तो महाराज प्रेम मंदिर अगर आपको घूमना है तो शाम को 6:30 बजे के बाद ही आप प्रेम मंदिर में एंट्री कीजिए। 6 बजे कर सकते हैं आप, क्योंकि प्रेम मंदिर में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की लाइटें लगी हुई है। वहां पे एक वाटर डांस भी होता है जिसमें पानी भिन्न भिन्न आकृतियां बनाता है, राधा राधा भी बोलता है, तो वो सारा मजा आपको शाम को 7 बजे ही मिलता है। तो आप 6 बजे या 6:30 बजे एंट्री कीजिए। वहां की जो भिन्न 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 प्रकार की जो आकृतियां हैं, जो लाइट द्वारा जलती हैं और भिन्न भिन्न कलर बनाती हैं, उसको देखने का मजा शाम को ही होता है। नेक्स्ट बात जो आपको वृंदावन जाते वक्त याद रखने योग्य है वो बात ये है कि भाई घूमने के चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि निधि वन शाम को 6:30 बजे या 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। निधि वन में से, निधि वन रात को कभी नहीं खुलता, रात को अर्थात शाम को भी निधि वन नहीं खुलता। तो निधि वन आपको घूमना है तो आप दोपहर का समय रखिए या फिर सुबह का समय रखिए। नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि वृंदावन में दोपहर के समय सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। वृंदावन अगर आप जा रहे हैं तो आप सुबह दर्शन कीजिए,
12 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद, 12:15 पे बिहारी जी की लास्ट आरती होती है। उसके बाद बिहारी जी के मंदिर भी बंद हो जाते हैं और समस्त मंदिर बंद हो जाते हैं। उसके बाद कोई 4 बजे खुलता है, कोई 4:30 बजे खुलता है, बिहारी जी का मंदिर 5 बजे खुलता है अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। जिसकी गर्मी है तो थोड़ा 5:30 बजे हो जाएगा, सर्दी है तो 5 बजे खुल जाएगा। जिस हिसाब से टाइम टेबल होता है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन दोपहर को लगभग सारे ही मंदिर आपके बंद हो जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप सुबह घूम सकते हैं, शाम को घूम सकते हैं। अगर हाँ सर्दियों का समय है और मंदिर बंद हो गए हैं तो आप वृंदावन की परिक्रमा अवश्य कर सकते हैं। गर्मियों में आप परिक्रमा शाम कीजिए। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो अब आपको आगे क्या बात याद रखनी है, उस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे आपको नेक्स्ट बात ये याद रखनी है कि लोग बोलते हैं कि दीदी क्या हम परिक्रमा रात को कर सकते हैं, तो महाराज गर्मियों में परिक्रमा हमेशा रात को ही की जाती है। गर्मियों में जो भी परिक्रमा होती है, चाहे वो गोवर्धन की हो गई, चाहे वो वृंदावन की हो गई, चाहे वो बरसाने की हो गई, 99.99% लोग रात को करते हैं और दिन में की जाती है। दोपहर के समय गर्मियों में कोई भी परिक्रमा नहीं करता, हाँ, और सर्दियों में परिक्रमा दोपहर के समय की जाती है, रात्रि के समय कोई परिक्रमा सर्दियों में नहीं करता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको ये चीजों का विशेष ध्यान रखना। बंदरों से विशेष सावधान होने की वृंदावन में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो जगह जगह पे भिन्न भिन्न प्रकार के गाइड मिलेंगे, आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। आपको आवश्यकता हो तब आप गाइड लीजिए, अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप गाइड मत लीजिए। मैं आपको लक्ष्मी एकदम क्लियर बता रही हूँ ये बात। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि भैया मतलब गाइड ऐसे हैं या फिर पंडित वैसे हैं। आप खुद देखिए, खुद रियलाइज कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे आपको पैसा अपना खर्च करना है, कहाँ पे पैसा नहीं खर्च करना है। वृंदावन में अगर आप जा रहे हैं तो दान पात्र में ही पैसा डालें। ये मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है कि बिहारी जी का मंदिर हो गया, राधा रमण हो गया, राधा वल्लभ हो गया, इन सभी मंदिरों में आपको, चाहे वो जन्मभूमि होगी, आपको दान पात्र में ही पैसा डालना अति और अति आवश्यक है। और अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में हम वृंदावन के सारे दर्शन करके आ जाएंगे तो ये असंभव है। एक दिन में आप वृंदावन के दर्शन नहीं कर सकते हैं, आपको कम से कम 2 दिन का समय निकाल के आना है। हाँ, अगर आप मथुरा, वृंदावन, गोकुल, रमन रीति, बरसाने, इन सबके दर्शन, गोवर्धन, इन सबके दर्शन करना चाहते हो तो आपको 3 से 4 दिन का समय निकाल के अवश्य आना पड़ेगा, तब आप इन सबके दर्शन कर पाएंगे। ये सब ऐसे ही है जैसे कि वृंदावन से और बरसाने का जो रास्ता है वो 30 किलोमीटर तक का है, वहां पे जाते हैं, फिर वहां पे भी भिन्न भिन्न प्रकार के मंदिर है, उसके भी दर्शन, फिर गोवर्धन का जो रास्ता है वो 37, तो ऐसे ही है आस पास में। लेकिन आप एक दिन में ये सारा नहीं घूम सकते। एक दिन में आप वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन कर लोगे, राधा रमन कर लोगे, राधा वल्लभ कर लोगे, निधिवन कर लोगे, शाम को प्रेम मंदिर इस्कॉन टेम्पल चले जाओगे और फिर शाम को घर आ जाओगे। बस एक दिन में आप इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कम से कम 3 से 4 दिन का समय निकाल के आना पड़ेगा अगर आपको ये गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन ये सब घूमना है। तो एक बात और इम्पोर्टेंट होती है कि आप पैसे लेके जाइए वृंदावन में, लेकिन मंदिरों में आप लिमिटेड पैसे लेके जाइए। लिमिटेड आपको मंदिरों में पैसे लेके जाने हैं क्योंकि वहां पे जेब कतरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो इस बात का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरी बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरी बोल।